सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड ज्ञान को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पे ताकि आप पा सके मेरी वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं अनलिमिटेड ज्ञान। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक LIC एजेंट हैं तो आपको कितनी मिनिमम पॉलिसी करनी होती है या आपको मिनिमम कितने प्रीमियम का बिजनेस LIC को देना होता है। मैं इस टॉपिक पर काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको कम से कम काम पर ध्यान ना देकर ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी या बिजनेस करने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर भी काफ़ी ऐसे एजेंट्स हैं जो पॉलिसी नहीं कर पाते और ये जानना चाहते हैं कि कम से कम वो कितनी पॉलिसी करें ताकि अपनी LIC एजेंसी को बंद होने से बचा सकें। और काफ़ी लोगों ने ये कमेंट में भी पूछा था कि LIC एजेंट को मिनिमम कितनी पॉलिसी करनी होती है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एक LIC एजेंट हैं तो आपको मिनिमम बिजनेस कितना LIC को देना होता है। तो LIC कहती हैं कि आपको इन तीनों में से एक शर्त हमारी पूरी करनी ज़रूरी है। तो अब आप जो देख रहे हैं LIC की ये तीन शर्तें हैं, अगर आप इन तीनों में से एक भी कोई शर्त पूरी कर देते हैं, मतलब एक भी कोई टारगेट पूरा कर देते हैं, तो आपकी जो एजेंसी है एजेंट वाली वो चलती रहेगी। तो आइए देख लेते हैं ये तीन शर्त क्या है और कौन सी कैसी क्या कहती हैं। तो जो पहली शर्त आप देख रहे हैं इसमें लिखा है 6 different lives and 50,000 फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 6 अलग अलग लोगों की 6 लाइफ्स पॉलिसी करनी है, मतलब 6 पॉलिसी करनी है अलग अलग लोगों की, और जो इनका फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम होगा वो आपका 50,000 और इससे ज़्यादा होना चाहिए। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, अगर आप 6 अलग अलग पॉलिसी लोगों की कर देते हैं और उन सभी का फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम टोटल मिला के 50,000 से ज़्यादा है या 50,000 है तो आपकी LIC एजेंसी चलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी है, दूसरी में ये कहते हैं कि अगर आप 12 डिफरेंट लाइव्स कर देते हैं, मतलब अगर आप 12 डिफरेंट लोगों की पॉलिसी कर देते हैं तो भी आपकी पॉलिसी चलती रहेगी। मतलब अगर आप 12 लोगों की अलग अलग से पॉलिसी कर देते हैं उनका चाहे प्रीमियम कितना भी हो, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आपकी 12 लोगों की पॉलिसी होनी चाहिए एक साल के अंदर अंदर। अगर ये 12 पॉलिसी आप कर देते हैं तो आपकी LIC की जो एजेंसी है वो चलती रहेगी। तो जो तीसरी शर्त इन्होंने रखी है वो रखी है कि 1,00,000 फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम, मतलब जो एक साल में है जो आपका फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम है वो आपका 1,00,000 होना चाहिए, चाहे पॉलिसी आप कितनी भी करें, चाहे एक पॉलिसी आप करते हो लेकिन उसका फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम है वो 1,00,000 या 1,00,000 से ज़्यादा होगा तो भी आपकी LIC एजेंसी चलती रहेगी। तो आइए एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तीन ऑप्शन मैंने लिखे हुए हैं। अगर आपने तीन में से कोई भी एक टारगेट पूरा कर दिया तो आपकी LIC एजेंसी चलती रहेगी। अगर आपने साल में 12 अलग अलग लोगों की पॉलिसी कर दी तो आपकी LIC एजेंसी चलती रहेगी। अगर आप 12 पॉलिसी नहीं कर पाते हैं तो आप सिर्फ 6 पॉलिसी करते हैं तो 6 पॉलिसी की जो प्रीमियम है फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम वो आपके 50,000 और 50,000 से ज़्यादा है तो भी आपकी LIC की एजेंसी चलती रहेगी। अगर आप ये दोनों नहीं कर पाते हैं और सिर्फ 1-2 पॉलिसी में ही आपका जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम है वो 1,00,000 या 1,00,000 से ज़्यादा हो जाता है तो भी आपकी LIC एजेंसी आराम से चलती रहेगी। तो अगर आप इन तीनों में से एक भी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर देते हैं तो आपकी LIC एजेंसी चलती रहेगी और आपका कमीशन आपको मिलता रहेगा। तो जिन लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है उन सभी को मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि LIC में जो पुराने एजेंट्स हैं उनको कुछ छूट दी गई है, तो वो मैं बताता हूँ आपको किस किस तरह की उन्हें टारगेट से छूट मिली हुई है। तो फर्स्ट बात है वो है कि अगर आप लगातार 21 साल या 21 साल से ज़्यादा LIC में काम कर रहे हैं तो हमारी एक शर्त है जो आपको ये पूरी नहीं कर पाते तो भी आपकी LIC चलती रहेगी। इसका मतलब मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर आप लगातार 21 साल या 21 साल से ज़्यादा LIC में एजेंट से काम कर रहे हैं तो जो हमने ऊपर तीन कंडीशन बताई थी आपको वो अगर आप पूरी नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपकी LIC एजेंसी चलती रहेगी। दूसरी छूट उन लोगों को दी गई है जो 15 साल से ज़्यादा लगातार LIC एजेंट का काम कर रहे हैं और उनकी उम्र 55 या 55 साल से ज़्यादा हो गई है।
तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि अगर आप 15 साल या 15 साल से ज़्यादा काम करते हुए LIC में हो गए हैं और आपकी उम्र 55 साल या 55 साल से ज़्यादा है और आप ये जो मिनिमम टारगेट है वो पूरा नहीं कर पाते हैं, तो भी आपकी LIC एजेंसी चलती रहेगी। जो तीसरी लोगों को छूट मिली हुई है वो है कि आपको 15 साल LIC में काम करते हुए हो गए हों और आपका 1 साल में जो रिन्यूअल प्रीमियम इनकम है वो 2 लाख या इससे ज़्यादा की है। तो ये तीन मतलब लोगों मैं कह सकता हूँ पुराने एजेंट्स हो गए जिनको छूट मिल जाती है मिनिमम टारगेट से। अगर आप इन तीनों में कवर नहीं होते हैं कि आप ना तो 21 साल या 21 साल से ज़्यादा से पुराने एजेंट हैं, ना आप अगर 15 साल या 15 साल से जो पुराने एजेंट हैं अगर आप इनमें कवर नहीं होते हैं, तो आपको ये ज़रूरी है कि आपको इन तीनों में से एक टारगेट पूरा करना पड़ेगा। या आप 12 पॉलिसी करो, या आप 1 लाख फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम करो, या फिर आप 6 पॉलिसी के साथ साथ 50 हज़ार का जो उनका प्रीमियम है या इससे ज़्यादा का प्रीमियम है, 50 हज़ार से ज़्यादा का आपको करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको फिर भी इससे कोई डाउट है तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाता रहूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय, और देखते रहिए मेरी वीडियोज़ को क्योंकि देखोगे तभी तो सीखोगे।